हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको चेक करने का जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जेसीईसीबी बोर्ड, जो कि झारखंड का है, आप जाके देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर ऑल एग्जाम एप्लीकेशन सबमिशन, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ये पेज खुल के आएगा, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम का बैनर। तो इसको आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे फिर आपको बहुत सारे एग्जाम का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आपको अपना एग्जाम चूज कर लेना है। जैसे मेरा एग्जाम है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये वाला है ना, तो फिर इसको क्लिक कर लेना है। फिर इसको आप क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ये पेज खुल के आएगा। इसमें आप जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो आपका 19 दिसंबर से चल रहा है 20 दिसंबर के बीच में। तो ये ऑब्जेक्शन का ये जो प्रोसेस है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा रिजल्ट का जो लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। रिजल्ट का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हो लॉग इन टू ऑब्जेक्शन है ना। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन बदल के हो जाएगा लॉग इन टू चेक रिजल्ट। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एंटर रोल नंबर और पासवर्ड दे के अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो बस इसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस बचता है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एंटर रोल नंबर और एंटर पासवर्ड। जैसे आप दोनों क्लिक करके एंटर कर दोगे फिर आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।